अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही सिंपल, इजी और क्यूक रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए देख लेते हैं। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए अंडे। यहाँ पर हम 2 अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। हम टी कप से दूध ले रहे हैं, यहाँ पर आप मलाई वगैरह भी ले सकते हैं। और ये हमने 1/4 कप यानी कि 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर ले लिया है। आप यहाँ पर शुगर ऐसे भी ले सकते हैं। इन्हें अब हम मिक्स करेंगे अच्छे से और बहुत अच्छे से इसे फेंट लेंगे, इस तरीके से, बिल्कुल भी इसमें अंडे का लम्स वगैरह ना दिखे। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर 8 ब्रेड लेंगे और 1 बड़ा बाउल ले लेंगे जिसमें हमें ब्रेड को डिप करना है। कोई भी बाउल प्लेट आप लें, लेकिन इस पे हमारी ब्रेड आराम से आ जानी चाहिए। अब देखिए, इस पे हम इस तरीके से दूध अप्लाई करेंगे, इसको अच्छे से भिगा देंगे और इसकी दूसरी साइड पे भी हम दूध डालेंगे। सारे कोनों पे अच्छे से हम दूध डालेंगे और इसके ऊपर हम दूसरी ब्रेड अप्लाई करेंगे। ब्रेड को एक के ऊपर एक हमें अच्छे से सेट करना है। अब इस पर भी हम दूध डाल देंगे। इसी तरीके से सारे कोनों पे हम दूध फैला देंगे, ब्रेड सारा दूध सोख कर ले, कोई भी कोने इसके बाकी ना रहे। हमने 2 टोस्ट बनाए हैं टिपल ब्रेड से और 1 टोस्ट हमने बनाया था 2 ब्रेड से, तो तीसरी ब्रेड भी इस पर हम डाल देते हैं और इस पर भी इसी तरीके से हम सारे दूध अप्लाई करेंगे, इसका कोना बाकी नहीं रहे। तो ये देखिए, हमने बहुत अच्छे से इसे सेट कर लिया है। इसे हमें पहले सेट कर लेना है, इसे हमें ज़्यादा देर इस तरीके से नहीं छोड़ देना है। अब इसे हम फौरन से उठा के आहिस्ता से, इसे हम बहुत आहिस्ता से उठाएंगे कि ये टूटे नहीं, और इसे हम पैन में डाल देंगे। दूसरी साइड हमने पहले से ही पैन गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें आप बटर, घी, रिफाइंड ऑयल कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। अब इसको हम अच्छे से सेंक लेंगे। एक तरफ जब अच्छे से सिक जाए तो इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए, इस पर बहुत अच्छा कलर आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी सी ये सिक रही हैं। पैन के चारों कोनों पे भी हम इसे इसी तरीके से सेट करेंगे कि इनका कोना भी अच्छे से सिक जाए। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा शहद लगाएंगे, यानी कि हनी, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसकी हम दूसरी साइड पे भी लगा देंगे थोड़ी सी शहद, दूसरे साइड पे भी हम शहद लगा देंगे और इसको फिर से हम साइड इसकी चेंज कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से दूसरी तरफ भी गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ही क्रिस्पी से, और इस पे बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से हम अपने दूसरे फ्रेंच टोस्ट भी बना लेंगे। 2 हमने ट्रिपल ब्रेड से बनाए थे और 1 हमने डबल ब्रेड से बनाए थे। इसे आप सिंगल ब्रेड में भी बना सकते हैं। 1 कप दूध और 2 अंडों में हमने 8 ब्रेड से फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और सिंपल सी हमारी फ्रेंच टोस्ट बनके रेडी हो चुके हैं। इन्हें आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में, ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक के तौर पर दे सकते हैं। बच्चे इसे खा के खुश हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू वीडियो द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।